children, in the last part of video we have seen that the girl named Seema live happily with her family, and one day while after playing she wanted to eat some sweet, and when she went for to take sweets from the jar, her hand got stuck into the jar. Now let's see what happened further. पिछले समय हमने देखा कि सीमा नाम की एक लड़की हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहती है. खेलते खेलते उसे ऐसा ख्याल आता है कि चलो कुछ स्वीट खाया जाए, और वो बहुत सारे स्वीट्स एकदम जार से निकालने की कोशिश करती है और उसका हाथ फंस जाता है. चलिए आइए देखते हैं कि आगे क्या होगा. द ग्रैंडफादर हु वाज नियर टू द जार एडवाइज्ड सीमा टू टेक ऑफ सम स्वीट. दादाजी जो वहां बैठे हैं हॉल में, सीमा को सलाह देते हैं कि अपने हाथ से कुछ जो स्वीट कैंडीज हैं वो छोड़ दे. देन शी ड्रॉप ऑफ सम स्वीट बट स्टिल हर हैंड कांट गेट ऑफ. तो वो कुछ स्वीट्स को हाथ से निकाल देती है, लेकिन फिर भी उसका जो हाथ है जार से नहीं निकलता है. शी वरीड अगेन एंड अगेन क्राइड, ओह नो आई स्टिल कांट टेक ऑफ माई हैंड. तो वो बहुत परेशान हो जाती है और फिर से चिल्लाती है कि अरे नहीं, अभी भी मैं अपना हाथ नहीं निकाल पा रही हूँ. देन दादाजी एडवाइज अगेन टू ड्रॉप ऑफ सम मोर स्वीट्स. तो उसको दादाजी कहते हैं कि तुम कुछ स्वीट और अपने हाथ से निकाल दो. देन अगेन शी ड्रॉप ऑफ सम स्वीट. तो अपने हाथ के कुछ स्वीट और निकाल देती है. एंड व्हेन हर हैंड हैव ओनली वन स्वीट, हर हैंड गेट आउट ऑफ द जार. और जब उसके हाथ में एक ही स्वीट रहता है तब उसका हाथ जार से बाहर निकल जाता है. शी बिकेम हैप्पी. वो बहुत खुश हो जाती है एंड गो टू हर ग्रैंडफादर, और अपने दादाजी के पास जाती है. देन दादाजी टोल, बेटा वी शुड नॉट डू लाइक दिस, वी शुड नॉट बी ग्रीडी, वी शुड टेक अ थिंग व्हाट एट वन एट अ टाइम. तो दादाजी उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा हमें इस तरह से लालच नहीं करना चाहिए, हमें एक वक्त में एक ही लेना चाहिए. देन सीमा अंडरस्टूड दिस दैट शी डिड समथिंग रॉन्ग. तो उसको समझ में आता है कि उसने कुछ गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था. देन सीमास फादर केम इनटू द रूम एंड आस्क्ड व्हाट हैपेंड हियर. तो फिर सीमा के अब्बा जान आ जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ भी क्या हुआ. देन सीमा टोल्ड देम ऑल द थिंग व्हाट हैपेंड देयर. तो सीमा उन्हें सारी चीजें बताती है कि किस तरह वो खेलते खेलते आई, जार में से उसने स्वीट लेने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा स्वीट्स एक साथ लेने की वजह से उसका हाथ फंस गया और दादाजी के एडवाइस से उसका हाथ निकल भी गया. देन हर ब्रदर आस्क्ड हर इफ शी ओके और नॉट. तो उसका भाई उसे पूछता है कि अब वो ठीक है या नहीं. देन शी रिप्लाइड कि मैं ठीक हूँ अब बिकॉज ऑफ द दादाजी एडवाइस. तो वो कहती है कि दादाजी की एडवाइस की वजह से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ. देन दादाजी told to all of them that we should be happy with whatever we have and not to be greedy and take only what we need, that is one at a time. तो दादाजी सबको समझाते हैं कि हमारे पास जो है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, हमें लालच बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और हमें जितनी की ज़रूरत है उतना ही लेना चाहिए, that is one at a time. तो बच्चों उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और आप भी इस तरह सीमा की तरह गलती नहीं करोगे और दादाजी के एडवाइस पर काम करोगे. शुक्रिया.